हाय एवरीवन, वेलकम टू सुजास किचन। आज हम बनाने वाले हैं वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल बटन दबाइए तो मेरा नया रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। ये रेसिपी के लिए चाहिए फुल क्रीम्ड मिल्क 1/2 लीटर, कस्टर्ड पाउडर 2 टीस्पून, शुगर 3 टेबलस्पून, मलाई 1/2 कप एंड वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून। चलिए हम शुरू करेंगे। एक कढ़ाई में 1/2 लीटर फुल क्रीम मिल्क डाल के उबालने के लिए रखें। इसके लिए लगभग 5 से 6 मिनट्स तक उबालना है। एक छोटी कटोरी में 1/4 कप वार्म मिल्क लिए हैं, उसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून कस्टर्ड आइसक्रीम पाउडर। इसको अच्छे से मिलाइए। अभी उबालते हुए दूध में डाल के मिक्स करेंगे। 2-3 मिनट तक लो फ्लेम में लगातार चलाते हुए मिक्स करना है। अभी इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून शुगर। अच्छे से मिक्स करें। अभी स्टोव बंद करके ये मिश्रण को नीचे लेंगे। और इसमें डालेंगे हम 1/2 कप क्रीम और 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस। अच्छी तरह से मिक्स करें। और ठंडा होने के लिए रख दें। ठंड होने के बाद इसको हम ट्रांसफर करेंगे एक एयर टाइट कंटेनर में। उसको कवर करेंगे हम फॉइल पेपर या बटर पेपर से, क्योंकि आइसक्रीम के ऊपर आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेगी। इसके ऊपर ढक्कन डाल के डीप फ्रिज में 3-4 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। अभी 4 घंटे हो गए, हम निकाल दिए हैं। अभी चेक करेंगे। देखिए, अभी हम ये मिश्रण को ब्लेंड करेंगे अच्छे से। इससे हमारा आइसक्रीम बहुत स्मूथ बनेगा। फिर से हम ये मिश्रण को वही कंटेनर बॉक्स में डाल के अच्छे से लेवल कीजिए। फिर फॉइल पेपर या बटर पेपर से कवर कर दीजिए और ढक्कन डाल के डीप फ्रिज में 7 से 8 आवर्स रखना है। अभी 8 आवर्स हो गया, हम फ्रिज से निकाल दिए हैं। देखेंगे, अभी हमारा वेनिला कस्टर्ड आइसक्रीम तैयार हो चुके हैं। कितना स्मूथ एंड सॉफ्ट बन चुके हैं। सॉफ्ट एंड क्रीमी वनीला आइसक्रीम इज रेडी टू सर्व।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।